हेलो, मेरे पास ट्राई बोर्ड नहीं है। पहली बात कहना चाहती हूँ दी से, स्वीट डी से। और वो वाइटी की सबसे मधुर आवाज़ है उनका, और सबसे प्यारी स्वीट डी है। वो समझ जाएंगी। उन्होंने दी ने मुझे कमेंट किया था, तुम कैमरा बहुत हिलाती हो। हाथ से पकड़ के रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो इसलिए हिलता रहता है दी। और कल गए थे शॉपिंग करने ना, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, इनर वगैरह। तो मैं आज शॉप लाई हूँ, तो सब लोग शेयर करते, मैंने सोचा ना आज मैं भी अपना शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस वही है, मैं दिखा रही हूँ, ये महीने भर का है। एक सर्फ एक्सल और एक तो खोल दी हूँ, तो बिट्टू का है। उनके के लिए उनके पापा लोग हैं, और अल्फाबेट जो था ना उसको खोल दी है, एक पहले खोल दिए। और ये एवरेस्ट का मीट मसाला लिए हैं, हमको इसकी ये इसका टेस्ट ज़्यादा पसंद आता है। और मैं ना क्या है ना कि मैं वैष्णवी भी छोटी थी उसको भी, और अभी सोना भी, तो इन दोनों को ना बचपन में उसको भी सारे प्रोडक्ट हिमालय का ही यूज़ किए थे, तो हमको उसका ज़्यादा फ़ायदा समझ में आता था बेनिफिट। तो इसीलिए ना सोना को भी ना मैं शुरू से लेकर और आज तक जितने प्रोडक्ट होते हैं सारा हिमालय ही यूज करती हूँ। तो वो अभी सब कुछ था, बस लोशन ख़त्म हो गया था, तो वहाँ पे लोशन नहीं था ना, तो फिर कभी लोशन लाऊंगी। फिलहाल मैंने बॉडी वॉश ले लिया है, तो ये हिमालय का बॉडी वॉश है। बाकी मेरे पास सब क्रीम वगैरह है, शैम्पू तेल वगैरह, लेकिन बस बॉडी वॉश और लोशन लेना था, बट लोशन नहीं मिला। ये मिला तो मैंने ये ले लिया, और उसको मंगा लूँगी फिर कभी कहीं से। और इक्लेयर की टॉफ़ी है जो बहुत ज़रूरी होती है सोना की, मूंग दाल की नमकीन है। और ये सोना का स्वेटर है, और एक सोना का मेरी स्वेटर ये है देखिए, और ये ब्लू, अच्छा हाँ ये इनर ब्लू वाला ना, ये वैष्णवी का है। और ये मैंने स्टॉल लिया है, प्राइस भी बता दूँ मैं तो, ये मुझे ये देखिए 457 रुपये का स्टॉल है। बताइए कैसा लग रहा है, अच्छा है कि नहीं है? ऐसे इसके मतलब ऐसे इसके डिज़ाइन बने हुए हैं। ये सोना का है, वो वैष्णवी का था। ये सोना वाला 201 का है, और वैष्णवी का कितने का था? वैष्णवी का भी उतना ही का था। बच्चे छोटे हों या बड़े हों फिक्स पे। हाँ स्वेटर का दाम मैंने नहीं पूछा था, तो मैं बता दूँ, ये वाला स्वेटर मुझे पड़ा है 500 का, और एक वाला जो था ना ये 235 का है। और ये सोना का इनर है, ये कितने का? ये 196 रुपये का है। और दो शॉल्स हैं, एक पता नहीं कहाँ गया। ये है सोना के लिए, ये मंकी टोपी दो ठो लाए हैं, एक ऐसे मतलब कहीं जाने होने के लिए इसको ले लिए हैं। ये वाला 200 का था ना, हाँ ये 205 रुपये का है। और ये नॉर्मली घर में लगाने के लिए ले लिए ना, बहुत ज़्यादा भी इसमें का मेरे पास था लेकिन ले लिया, क्योंकि ठंडी में ना सूखता नहीं है। ये 115 रुपये का है, ये 205 रुपये का है। ये टोपर है, और ये शायद वैष्णवी का है, 220 का। ये बड़ी बेटी का इनर है, आज पहन के गई थी, अभी पुराना वाला ही ले गई है। और इतना ज़्यादा रुमा, ये मेरी पसंद नहीं है, ये हस्बैंड जी की है। ये देख रहे हैं, एक पीस दो पीस। मुझे नहीं पता था, अभी मैं 4, 5 और 3 ये वाला है, 5, 3, 8 टुलाएँ। एक्चुअली क्या है ना कि उनके स्कूल में ज़रूरत पड़ती है, तो वो कुछ स्कूल ले जाएंगे, और यहाँ लग गया। और मैं इसमें से 2-3 मैं अपने लिए मतलब घर के लिए यूज कर लूँगी। और ये सोना का बनियानी है बस, और ढेर सारे प्रोडक्ट हैं खाने पीने वाली, बुक तो बहुत है। पंचरत्न है, सोना को पसंद आता है। चाकोश है, और
मखाना है, मूंग दाल की एक तरह की डाल नमकीन है, मैरी गोल्ड बिस्किट है, मैगी है और एक पैकेट चना है। बच्चे चना खाते हैं ना, मेरे दोनों बच्चों को चना बहुत पसंद है, वो ऐसे ना प्लेट में लेके थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। और ये काजू मिक्सचर है और खट्टा मीठा वाला पाई, एक खट्टा मीठा वाला जो हल्दीराम वाला था उसको मैंने सुबह खोल दिया है क्योंकि ना वो अच्छा लगता है ना, तो उसको बच्चे खाते हैं। और मैं घाटी की लिट्टी बहुत बनाती रहती हूँ, ये है सत्तू, इसको बनाऊँगी मैं घाटी की लिट्टी। और दो पैकेट इसमें ही मिल रहा है, पॉपकॉर्न है, ये देखिए दो पैकेट पॉपकॉर्न है, दो मैंने कल शाम को बना दिया था, जरा खाना खाने का मन नहीं करता था। और ये पता है हर एक वैरायटी इन्होंने ही सारा टेस्ट करेंगे, चार पैकेट है, अभी आपको दिखाते हैं, मुझे हंसी आती है कभी कभी। ये देखिए सारे इनके प्रोडक्ट हैं। और तीन मैंने नॉर्मली ये ले लिया ना बच्चों के लिए, क्योंकि सर्फ एक्सल ये भी काम पड़ता है, दोनों मिक्स करके दो पैकेट सर्फ एक्सल वाला लिए हैं और पाँच ही लिए हैं, तीन कहीं और होगा। और बाकी दो पैकेट चॉट वाली मैगी है और एक बड़ा पैकेट में फैमिली पैक वाली मैगी है। तो बस ये प्रोडक्ट थे जो मैंने सोचा ना कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और आज है 15 नवंबर, और पता नहीं कब मैं ट्राई बोर्ड ले पाऊँगी कि नहीं ले पाऊँगी, पता नहीं, भगवान जाने। वैसे भी व्यूज बहुत पता नहीं कम क्यों आते हैं और कि पता नहीं क्या हो गया, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। एक बार क्या हुआ था ना, मैं चली गई थी मायके, बेसन रखी थी तो मेरा बेसन ख़राब हो गया था। तो जन भी करते हैं महिलाओं को, हम सब ना कुछ चीज़ें यूज नहीं कर, मैं सोची ना मैं फेंकने के बजाय उसको ना ठंडी में बेसन यूज करती हूँ तो उसका मैं बनाती हूँ होम मेड स्क्रब तो लगा लूँगी। वो बेसन मेरा ना ख़राब हो गया था, मैंने उसमें हल्दी वगैरह मिला के लगाया था, फिर मेरे चेहरे पर ना देखिए कभी कुछ नहीं निकला, फर्स्ट टाइम निकला था, ये निकल गया है यहाँ पे गले पे निकल गया था और हल्का हल्का ना बहुत पास, ऐसे में जब टच करती हूँ ना तो दर्द 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 टाइप का लग रहा है। एक दिन लगा लिए थे, 10 मिनट छोड़ दिए थे, मुझे चुनचुनाहट हो रही थी पर मैं समझ नहीं पाई। और अब जाके फेंका लेकिन ये निशान दे के चला गया है, नेल पॉलिश गंदी लग रही है ना, वो लग जाती है कभी कभी, जब पूरा छूटता नहीं है ना तो जब पूरा भी बैठने भी आएगी ना तभी वो छुड़ाएगी। फिलहाल आप सबको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट और लाइक सब्सक्राइब जरूर किया कीजिएगा। और कैमरा हिलता है, अब मैं ध्यान दूंगी ना कि अगली बार से मेरा कैमरा ना हिले। और कमेंट करना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।